हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल फ्री ई शिक्षा। तो आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के टॉप 10 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, जो आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो ये वीडियो पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो मत ही भूलिएगा, ताकि वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन नंबर वन, भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को $3,00,000 का योगदान दिया है। ऑप्शन ए $5,00,000, ऑप्शन बी $15,00,000, ऑप्शन सी $10,00,000 या फिर ऑप्शन डी $20,00,000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी $10,00,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के यूनियन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। तो फ्रेंड्स, अब हम केरल की राजधानी के बारे में जानते हैं। केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी त्रिवंद्रमपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो केरल के चीफ मिनिस्टर पी नारायणी विजयन है। और केरल के गवर्नर कौन है? तो अभी वर्तमान समय में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजधानी, सीएम और गवर्नर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस देश ने आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 98वां स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी भारत। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय मैसौर गठबंधन का अध्यक्ष में चुन लिया गया है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 4 साल या ऑप्शन डी 3 साल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, किस देश के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड की करेंसी डॉलर है। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अभी इसके प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा आर्डन है। फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन ए रोजगार एवं श्रम विभाग, ऑप्शन बी जल विभाग, ऑप्शन सी हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए रोजगार एवं श्रम विभाग। दिल्ली की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है। और इसके चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? इसके चीफ मिनिस्टर अभी अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। अब हम जानेंगे गुजरात की राजधानी के बारे में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के सीएम कौन है? इस समय गुजरात के सीएम विजय रूपानी है। और गुजरात के गवर्नर कौन है? तो गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर वानु अथैया का निधन हो गया है, उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिएगा। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर, या फिर ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को हम लोग विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाते हैं। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। शोभा नायडू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथकल, या फिर ऑप्शन डी ओडिशी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भरतनाट्यम। अब हम भरतनाट्यम के बारे में कुछ जानते हैं। भरतनाट्यम दक्षिण भारत में तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह तमिलनाडु का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। इस पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस भरतनाट्यम टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, और इस नृत्य को तमिलनाडु के देवदासियों द्वारा विकसित और विस्तारित किया गया था। यह नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के करेंट अफेयर्स के टॉप 10 MCQs थे। इसका PDF आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक पेज पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जाकर डाउट पूछिए और क्वेश्चंस कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को पूरी तरीके से क्लियर करूँगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।